सर, यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे जो सोशल मीडिया का काम करना चाह, पर्पसफुली यूज करें सोशल मीडिया को, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या लें? आप अपनी प्रेजेंस सारे सोशल मीडिया पर रखें और सारे सोशल मीडिया पर तकरीबन आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो तकरीबन सेम हो, ताकि आपकी आइडेंटिटी बनी रहे हर जगह पे। लोगों की पोस्ट पे, वीडियोस पे, स्टैटिक पोस्ट पे आप वैल्यू ऐड करें हमेशा। अगर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो लोग आपको मुकाबले में जो एक आध जवाब देंगे और फिर ख़त्म हो जाएगी बात आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हमारी टैगलाइन है कि ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। ये जो माइंडसेट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पे अगर काम ना किया जाए, जो कि पिछले कई बरसों से ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अवाम ने इस पर काम नहीं किया और जिसकी वजह से वो आज बहुत सारे मसाइल का शिकार है। लेकिन अब हम बार बार इस चीज़ पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करें और फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएं। अब उसमें एक स्टेप ये भी है, क्योंकि जो आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, राइटर भी हैं, कंटेंट को भी मैनेज करते हैं और सोशल मीडिया पर तकरीबन 10 बरसों से अपना काम करें और 5 साल से इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी अपना काम करें, उमर जे कुरैशी साहब। हम इनसे जानेंगे कि ये किस किस तरह से काम करें और हम लोग जो आम लोग हैं, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉलिंग करके, डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए और फजूल किस्म की चीज़ों को सर्च करते हुए। अगर हम इसी टाइम को यूटिलाइज़ करें, कोई स्किल सीख लें, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग किस तरह करनी है, स्पॉन्सर्स को किस तरह लाना है, ब्रांडिंग किस तरह करनी है, ख़ुद को ब्रांड कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें अगर सीख ली जाएं, तो आप घर बैठे अपने मतलब फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर जावेद कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए कासिम अली शाह फाउंडेशन में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर, और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप बहुत बिजी थे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया की तरफ आप कब और कैसे आए, और फिर बीइंग ए इन्फ्लुएंसर आज आप करंटली क्या काम कर रहे हैं? अली बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया के साथ जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन जैसे कि हर किसी का होता है कि जब से फेसबुक शुरू हुआ तब से ही है। तकरीबन मेरे फेसबुक प्रोफाइल को कह लें आप 16-17 साल हो गए बने हुए, ठीक है। इसी तरह से इंस्टाग्राम पे आए तो इंस्टाग्राम जब से बना 10 साल से थोड़ा सा कम अर्सा हुआ है, तब से मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हूँ। यूट्यूब चैनल भी मेरा तकरीबन 7-8 साल से है, बट पहले मैं आम लोगों की तरह इसको फजूल यूज़ करता था, हर चीज़ को सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करता था, और वो हर तरह का, वो एंटरटेनमेंट भी होती थी, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती थी और पर्पसफुल चीज़ें कम होती थी। फिर मैं कुछ लोगों के साथ मिला और जिसमें नेमली मैं लूँगा कि अशरफ चौधरी जो कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर हैं, कासिम अली शाह, रेहान अलावाला, इन लोगों को जब मैंने देखा कि ये काम कैसे कर रहे हैं, तो फिर मैंने अपनी सोच को थोड़ा सा बदला कि सोशल मीडिया के साथ मैं भी एक अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपनी जो जॉब वाला माइंडसेट था करने वाला, उसको थोड़ा सा चेंज किया और तकरीबन 2010 में मैंने सोशल मीडिया को एज अ बिज़नेस अडॉप्ट किया। मैंने उसके बारे में सीखा कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, उस पर बिज़नेस कैसे किया जाता है, बूस्टिंग कैसे होती है, और फिर मैंने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो सर, फोकलोर मैगज़ीन के आप फाउंडर हैं, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त इसके ज़रिए क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? अली फोकलोर मैगज़ीन को हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, बट क्योंकि मैं 10-12 साल से जो है वो सोशल मीडिया की सर्विसेज में इन था, तो पहले मैं जो हूँ वो रेस्टोरेंट्स को टारगेट करके एक मैंने फूड ग्रुप बनाया था फूडीज फैमिली के नाम से, ठीक है। और उसका मकसद ये था कि सिर्फ जो फूड से रिलेटेड लाइक माइंडेड लोग हैं, जो फूड खाना पसंद करते हैं, उसके बारे में लिखना पसंद करते हैं और उसके पिक्चर्स लेके पोस्ट करना पसंद करते हैं और लोगों को अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, उसके बारे में एक कम्युनिटी बनाई जाए रिव्यूज़ फीडबैक्स के हवाले से। तो वो मैंने एक फूड ग्रुप बनाया जिसमें तकरीबन बहुत कम टाइम में
32,000 जो है वो मेंबर्स हो गए, और उसका मकसद मेरे एंड से ये था कि लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके रेस्टोरेंट्स को अपनी सर्विस पिच की जाए सोशल मीडिया की, ताकि रेस्टोरेंट्स को क्या चाहिए होता है, खाना पीना पसंद करने वाले लोग, तो वो उस ग्रुप ने वो उनको टारगेट ऑडियंस दे दी, और रेस्टोरेंट्स को मैंने अपनी सोशल मीडिया सर्विसेज भेजी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते जो है ना ट्रेंड चेंज होते गए, थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रुझान बढ़ता नज़र आया मुझे, तो उस फोकलोर फूडीज फैमिली जो ग्रुप था हमारा, उसको हमने सब कंपनी बना दिया, और एक पेरेंट कंपनी नई बना के फोकलोर मैगज़ीन आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले हमने उसको बनाया, और उसमें हमने क्या किया कि हम फूड के अलावा भी डिफरेंट निश जो मार्केट सेगमेंट है उसको भी कवर करेंगे, और उसको कवर कैसे करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए। तो ये बेसिकली सीन था उसको बनाने का। अच्छा सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में तीनों चीज़ें आती हैं, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, लेकिन आपने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो लोग आना चाहते हैं वो अपने इंस्टा को पहले मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, उस पर फॉलोअर्स इंक्रीज करें, या ये बाई चांस आपके साथ ऐसा हुआ? अली, मेरे साथ बाई चांस हुआ है, क्योंकि जब फोकलोर मैगजीन को हमने लॉन्च किया आज से 4-5 साल पहले, तो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि उनको इंस्टाग्राम एज अ टारगेट मीडियम चाहिए होता था। सही, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे कैंपेन्स करते थे क्लाइंट के लिए, तो उसी को करते करते मेरी अपनी फॉलोइंग भी बढ़ गई, और इस वक्त तकरीबन 64,000 क्रॉस कर चुकी है खाली इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश फेसबुक की प्रोफाइल को बढ़ाने की कर रहा हूँ पहले से, और इसमें एक जो टिप मेरी होगी सब पूरी दुनिया के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये है कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, जो मकसद क्रिएट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, और पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें, पर्पस बेस्ड कंटेंट बनाएं आप अपना, ठीक है, ताकि लोग आपको फॉलो करें। अगर आप वहाँ पे वाहियात चीज़ें लगाएंगे तो वो वक्ती लुत्फ देगा लोगों को, बट आपको कोई फॉलो नहीं करेगा उससे, रोल मॉडल नहीं बनाएगा आपको। बिल्कुल सर, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं सोशल मीडिया के साथ काम करने का, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा? अली, एट टाइम्स जो है इसमें मुश्किलात भी पेश आती हैं, क्योंकि अभी हम अगर बात करें कि फ्रीलांसिंग का जो है और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें, तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपके जहन में कि आप जो जिस भी बंदे से आप बात कर रहे हैं वो बाहर की दुनिया के साथ काम कर रहा होगा। सही, मेरे सिलसिले में ऐसा नहीं, मैं लोकल मार्केट के साथ काम कर रहा हूँ, और लोकल मार्केट के साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पेमेंट्स के बारे में मसले हैं, सबके नहीं होते लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के होते भी हैं, क्लाइंट पेमेंट के लिए बहुत तंग करता है, और रिविजन्स बहुत ज़्यादा कराता है, एक दफ़ा चीज़ें अप्रूव हो जाए तो उसके बाद भी रिविजन आ जाती है कि मेरे फलाने चाचे माए मामे ताए को पसंद नहीं आया, वो कह रहे कि ऐसे कर दो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, उसकी वजह से मसला आउटसाइड इफेक्ट जो होता है ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी कंपनीज में शायद ना होता हो, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम साइज की कंपनीज हैं उनके साथ अगर काम करें तो ये मसले आते हैं आपको। सर, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, एक तो आपने ये इस हवाले से बात कर दी, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस काम में? अली, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट लेना, और क्लाइंट आपको तब मिलता है जब आप खुद आपकी रेपुटेशन हो, तो आपकी आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, और वो रेपुटेशन आपकी कब बनेगी, अथॉरिटी कब बनेगी, जब आप एक ही टॉपिक को पकड़ के उसकी के बारे में बात करोगे और उसके बारे में लोगों को नई चीज़ बताओगे। सही। और यही मैंने भी किया, और उसके साथ साथ मैंने एक काम और भी किया कि मैं बिलीव करता हूँ प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरी है, ठीक है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग में लिंक्डइन बहुत बेहतर एक सोर्स है। आप किसी भी मीडियम पर चले जाएँ, लिंक्डइन ज़रूरी नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ आप, तो आप अगर किसी की कोई भी पोस्ट है उसकी उसके ऊपर आप कमेंट कर देंगे जाके, और वो पॉजिटिव कमेंट होगा, वैल्यू ऐड कर रहा होगा मज़ीद, तो लोग आपकी तरफ भी आएंगे। अगर आप उसके बारे में मज़ीद क्रिटिसाइज करोगे तो 2-4 लोग सिर्फ आपको जवाब देंगे मुकाबले पे, और बात ख़त्म हो जाएगी,
आपको कोई फॉलो नहीं करेगा बिल्कुल उसमें। सर, बिल्कुल सर। सर इस सारी जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, वो कौन लोग थे जिनके काम से आप मुतासर हुए, और दूसरा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि सपोर्ट सिस्टम, फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इस बिज़नेस में? पहले फैमिली की बात करते हैं, सपोर्ट तो देखें हमेशा से थी, इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इसीलिए ऐसा है कि मैं तकरीबन 10 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। अगर सपोर्ट सिस्टम ना होता तो शायद ऐसा पॉसिबल ना होता, ठीक है। और अगर आप इंस्पिरेशन की बात करें तो हर वो बंदा जो अच्छी बात करता है और अच्छी चीज़ सिखाता है, चाहे वो एक सेकंड की ही कोई बात ना हो, एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो, वो बंदा मेरी इंस्पिरेशन है। अगर आप नेमली मुझसे पूछेंगे कुछ लोगों का नाम तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, कासिम अली शाह, रेहान अलावाला, अशरफ चौधरी, हशाम सरवर, तनवीर नादला, इवन आपके जो यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूट्यूब मैनेजमेंट करते हैं आबिद, ये मेरे दोस्त हैं और ये एज में मुझसे छोटे हैं, बट ये भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। सर यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे जो सोशल मीडिया का काम करना चाहते हैं, आज आपको सुन रहे हैं और उनका दिल भी कर रहा होगा कि हम भी सोशल मीडिया पे जाएं, कोई अर्निंग करें, इसको वो जो है पर्पसफुली यूज़ करें सोशल मीडिया को, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या लें? देखें अली, इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। वो ये होगा कि आप अपनी प्रेजेंस सारे सोशल मीडिया पर रखें, और सारे सोशल मीडिया पे तकरीबन आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो तकरीबन सेम हो, ठीक है, ताकि आपकी आइडेंटिटी बनी रहे हर जगह पे, ठीक है। अगर मैंने ये लाइट ब्लू शर्ट पहनी हुई है और मैं इस तरह से बैठा हूँ तो मेरी यही पिक्चर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगी हो, ताकि अगर कोई शख्स मुझे देखता है या मुझे फॉलो करता है एक प्लेटफॉर्म पर और वो गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके स्क्रॉल कर रहा होता है और उसको मेरी शक्ल नज़र आती है तो ये उसको नज़र आए कि ये बंदा तो मैंने वहाँ पे भी देखा उस प्लेटफॉर्म पे, मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको फॉलो कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप लोगों की पोस्ट पे, वीडियोस पे, स्टैटिक पोस्ट पे आप वैल्यू ऐड करें हमेशा, ठीक है। वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपकी तरफ भी आना शुरू होंगे, अगर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे जैसे कि अभी हमने बात की थी तो लोग आपको मुकाबले में जो एक आध जवाब देंगे और फिर ख़त्म हो जाएगी बात आपकी, ठीक है, और आपको 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 अच्छा भी नहीं समझेंगे उसके बाद, ठीक है। डिस्कशन में जाएं बट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के हिसाब से, डिस्कशन बहस भी होती है जो नेगेटिव भी हो सकती है, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव पे रहें, वैल्यू ऐड करें आप लोगों को। मैंने क्या किया कि मैं लोगों की जो भी मैं एक अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे जो है ना स्पेस पे अच्छी बातें पोस्ट करता था, फिर वहाँ पे लोग आते थे, पॉजिटिव फीडबैक ऐड करते थे, ठीक है, मैं उन ऑब्जर्व करता था कि कौन पॉजिटिव बात कर रहा है और कौन नेगेटिव बात कर रहा है, जो पॉजिटिव बात कर रहा था तो मैं उससे मज़ीद बात करता था, फिर ये अपने स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम कहेंगे डिजिटल प्रोफेशनल नेटवर्किंग, डिजिटल तरीके से हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, और वो डिजिटली भी आपको करनी चाहिए और डिजिटल ऑफलाइन भी करनी चाहिए, तो यही चीज़ मैं अपनी जो ऑडियंस सुन रही है एडवाइस है कि आप लोगों से कनेक्ट हों और लोगों को सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के गायब ना हो जाएं, उनकी पोस्ट पे उनकी उनके जो भी बात अच्छा वो कर रहे हैं पोस्ट है। जो भी कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं उसके वैल्यू ऐड करें ताकि उनकी अटेंशन आपकी तरफ भी हो, फिर वो आपके साथ भी बातचीत करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप इससे ना आप जो लिमिटेशन है ना एक फ्रीलांसर की या सोशल मीडिया मार्केटर की कि वो प्लेटफॉर्म्स पे जाके मार्केट प्लेसेस पे जाके काम करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। सर ये सारा काम सीखने में मुख्तसर तौर पे मैं चाहूँगा आप बताएं, सीखने में और फिर प्रैक्टिकली काम करने में ये कितना वक्त लगता है? अली आजकल डिजी स्किल्स ये अगर जो कोर्सेस हैं वो 3 महीने के कोर्स में करते हैं, उससे लोग बेसिक लेवल का एक अच्छी नॉलेज कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो ट्रेनर्स हैं उनके यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, वो अगर आपका माइंड इस काबिल है कि आप उसको जल्दी कर सकते तो आप हफ्ते एक हफ्ते में भी उनका कोर्स कर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, कुछ लोगों को फ्री सर्विस दें, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल उसी तरह के एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं है और जॉब के बगैर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फ्री सर्विस देंगे तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा और पोर्टफोलियो भी बनेगा साथ,
ठीक है। तो अब जब का जब पोर्टफोलियो होगा तो फिर आप किसी भी क्लाइंट को पेच करेंगे जो पेड टास्क होगा, तो उसके लिए आपका पोर्टफोलियो देख के वो आपके पास आ जाएगा आसानी से। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे काम करना है। बिल्कुल नहीं, आप मैं किसी को ऐसे नहीं कहूँगा कि आप वो इंस्टाग्राम पे चले जाए। आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हैं और जहाँ पे आपको एट दिस मोमेंट कुछ लोग सुनते हैं, ठीक है, उस पे देखते हैं या सुनते हैं, वहाँ पे आप शुरू करें और उन्हीं में जाके आप अपनी दूसरी प्रोफाइल्स के लिंक भी पोस्ट करते जाएं बाद में, ठीक है, ताकि आप बता सकें कि आप यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल भी। वो उनके लेक्चर्स तकरीबन हर घर में सुने जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और उसके अलावा भी जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। कासिम अली शाह फाउंडेशन मेरा पहली बार आना हुआ कुछ दिन पहले, मैं एक सेशन के लिए आया था यहाँ पे जो यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड था, और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि वो तकरीबन एक सिलसिला है उनका इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर जो वो फ्री में करवा रहे हैं डिफरेंट लोगों को एंगेज करके, ठीक है। उसमें कुछ उनका अपना स्टाफ भी है, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है ये। और अगर ऑडियंस अगर देख रही है और वो लाहौर में है ख़ासतौर पर, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जाएं और वहाँ पे देखें उनके जून का स्केड्यूल क्या, क्योंकि जून का स्केड्यूल अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी सेशन उनका अटेंड करें, 2 घंटे का सेशन होता है दोपहर के टाइम में, और वो आप अटेंड करें और आप ऑफिस को देखें कि कैसे, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है ये ऑफिस, ठीक है। ये लगता ही नहीं कि एक फाउंडेशन है, और ऊपर से इस माहौल के साथ भी वो फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, दैट इज़ हाईली रिमार्केबल। बहुत बहुत शुक्रिया उमर जावेद कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कुछ स्किल्स भी इन्होंने बताए सोशल मीडिया से रिलेटेड, उन पे अगर आप काम कर लें, और वो पीआर डेवलपमेंट बेसिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो किस तरह आपने लोगों के साथ फेसबुक पर कनेक्ट करना है, इंस्टा पर कनेक्ट करना है, और फिर इसके साथ साथ यूट्यूब के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी की अच्छी वीडियो पर, अच्छी बात पर कमेंट करके, उसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो ये बेसिकली आपके सारे पीआर स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने लिंक्स एस्टेब्लिश करने में और आगे फिर अपना काम करने में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।